हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का वीडियो है दोस्तों, है लोन के ऊपर है, जो बैंक हमें है कि कितना लोन दिया है और कैसे दिया है, वो सब कुछ दोस्तों है कि इस वीडियो में आपको है कि हम दिखाने वाले हैं। और प्लीज़ भाई लोग, आप लोग से इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा फुल वीडियो है कि वॉच कीजिएगा। कम से कम इतना हमें है कि आप लोग हेल्प कीजिए, ताकि दोस्तों मेरा वीडियो है कि थोड़ा चल पाए। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर और आप लोगों की हम है कि दिखाते हैं अपना लोन कितना मिला है, कैसे मिला है, कितना मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, कितना एक्टिव लोन है, कितना क्लोज हमने कराया है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट हम मोबाइल के डिस्प्ले पर हम अपने है कि चलते हैं, जो साइड में आपको है कि देखने को मिल जाएगा, और इससे हम चालू कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों है कि पेटीएम से हम है कि आपको है कि पेटीएम से है कि दिखाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सिविल पर जाने पर हमें है कि बहुत सारी प्रक्रिया वहाँ पर करना पड़ेगा। यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह सब फॉरगेट सब करने में बहुत झमेला है, उससे अच्छा है कि पेटीएम से आपको तुरंत हम है कि सब कुछ डिटेल है कि दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है दोस्तों पेटीएम। यहाँ पर दोस्तों हम सर्च करेंगे क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर आ गया दोस्तों। यहाँ पर क्रेडिट स्कोर में जाएंगे, यहाँ पर ओपन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा है कि सिबिल अभी है कि 711 है, जो कि 80 पॉइंट है कि डाउन हो चुका है दोस्तों। और क्रेडिट रिपोर्ट समरी में यहाँ पर जाने पर दोस्तों है कि देखिए, टोटल लोन मेरे पास दोस्तों है कि 7 है और क्रेडिट कार्ड 3 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम है कि पहले क्रेडिट कार्ड का आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्टिव मेरा है कि क्रेडिट कार्ड है कि 3 है, यहाँ पर दिख रहा है, SBI का 2 है और एक्सेस का 1 है, और इतना सही है। और 3 क्रेडिट कार्ड हमने है कि क्लोज करा चुका है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड का दोस्तों है कि सबका लिमिट हम दिखा देते हैं। SBI वाले का 3,35,000 इसका है कि लिमिट है दोस्तों, और दूसरा एक्सेस वाले का लिमिट कितना है, 1,20,000 है, और तीसरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं, 91,000 है। ठीक है दोस्तों, और इसे हम दोस्तों है कि यूज किया है क्रेडिट कार्ड को 2,78,000, जो टोटल लिमिट है इसका 5,46,324। और दोस्तों हम लोन पर आते हैं, अब लोन का देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो लोन मेरे पास दोस्तों है कि ये सब एक्टिव है, यहाँ पर डिटेल में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 13,22,275 रुपया मेरे ऊपर दोस्तों बैंक का लोन है, 13,22,275। यहाँ पर एक्टिव लोन है, ये देख सकते हैं आप, एक्सेस का है, आदित्य बिरला का है, एक्सेस, आदित्य बिरला, हीरो फाइनेंस, एक और दोस्तों ये है, यहाँ पर देख ले इजली सैलरी, और यहाँ पर एक्सेस बैंक, फिर एक्सेस बैंक, और हमने दोस्तों क्लोज इतना है कि कर दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोन दोस्तों हमने है कि क्लोज किया है। ठीक है, और क्लोज किया दोस्तों ये वाला हमने फर्स्ट आपको दिखाते हैं कितना का है, 79,000 का हमने क्लोज किया है, और एक है 1,75,000 का आदित्य बिरला का, और फिर एक और एक्सेस का है 1,00,000 का है, और फिर यहाँ पर दोस्तों टू व्हीलर है, हीरो से दोस्तों हमने है कि लिया था, बाइक एक लिया था स्प्लेंडर, उसका है दोस्तों ये 65,000, और यहाँ पर एक्सेस का एक और आता है, यहाँ पर 1,22,000 है, ये भी दोस्तों हमने क्लोज कर दिया है। और एक यहाँ पर दोस्तों है 1,50,000, ये वाला 1,50,000 दोस्तों हमने लिए हैं, इसमें हमसे बहुत ज़्यादा प्रक्रिया है कि बैंक वाला है कि करवाया है इस लोन को देने में, सैलरी स्लिप बहुत सारी डिटेल इसको दी है, तब हमको ये ऑनलाइन टर्म में 15 दिन जाँच पड़ताल किया, तब हमें दोस्तों ये लोन है कि हमें मिला है। और इतना जो जितना सारी आप लोन देख रहे हैं दोस्तों, इसके लिए हमने कोई प्रक्रिया नहीं किया है, वो सब लोन जितना दोस्तों हमने पिछला बार साधाया है, लोन 6 लोन क्लोज किया है, पूरा EMI बराबर टाइम पर पेमेंट किया है, उसके आधार पर दोस्तों ये हमें है कि 7 लोन मिला है, सिर्फ मोबाइल नंबर और पैन कार्ड से। वहीं खुद लोग है कि फ़ोन करते थे बार बार, सर लोन ले लीजिए, ऑफ़र है, ऑफ़र है, आज जो ट्रेडिंग लाइन में रहेगा पैसा कम पड़ेगा, था तुरंत पैसा तो अर्जेस्ट कहीं से ना कहीं से तो अर्जेस्ट तो करना ही पड़ेगा पैसा, है कि ना। और यहाँ से दोस्तों हम है कि लेते गया,
और दलदल में फंसते गया और इतना लोन मेरे ऊपर है कि चढ़ चुका है दोस्तों। और यहाँ पर दिखाते हैं आदित्य बिरला का कितना है, इसका है 350,000 आदित्य बिरला का, और एक्सिस का है दोस्तों यहाँ पर 96,000 जो ये भी चालू है। फिर यहाँ पर आदित्य बिरला दिया है दोस्तों 210,000, और फिर यहाँ पर दोस्तों एक्सिस का है 280,000। तो है कि लोन जो क्लोज किया है आप जोड़ लीजिएगा 6,90,500 कुछ रुपया इस तरह से आ रहा है, जो हमने दोस्तों इतना पिछला बार है कि सधाया है। ये भी दोस्तों है कि ट्रेडिंग में ही हमने है कि पूरा लॉस किया है 6 लाख, समझिए कि 7 लाख रुपया उस पर दोस्तों है कि 18 से लेकर 25% के इंटरेस्ट पे है, जितना दोस्तों हमें कि सधाया है बैंक को 18 घंटा ड्यूटी कर दोस्तों हमें कि वो बैंक को पूरा EMI बराबर भरा है। अभी दोस्तों इतना हो गया है तो हमारे ही बाहर हो गया है दोस्तों एवरेज से, हर महीना 90,000 कहाँ से हम 13 लाख का है कि भर पाएंगे, और उधर क्रेडिट कार्ड का नहीं हो पाएगा दोस्तों हमसे। और टोटल दोस्तों आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 लाख इसको समझ जाइए क्रेडिट कार्ड का, और 13 लाख यानी 16 लाख हो गया दोस्तों, और उधर 7 लाख, 23 लाख रुपया टोटल दोस्तों मेरे ऊपर कर्ज है, जिसमें अभी 16 लाख रुपया है कि EMI है कि उसका भरना है हर महीने। लेकिन अभी हम ये एक मेरा EMI दोस्तों है कि फेल हुआ है, उसके बाद से सब दोस्तों बंद है अभी तक ले, अभी तक ले दोस्तों हमने दिया नहीं है ना दियाएगा हमसे। अब लास्ट टाइम में जो होगा 2 साल के बाद सेटलमेंट का, तब तक इधर जो होगा मेरे ऊपर कार्रवाई तो करवे करेगा। ठीक है दोस्तों, यही सब है मेरा लोन का। और हम बताते हैं दोस्तों, हमने दोस्तों है कि इन लोगों के पास दोस्तों है कि गिड़गिड़ाया नहीं है लोन के लिए से हमें भाई लोन दो, ये खुद लोग हमें है कि दिया है बिना इनकम प्रूफ के, ये सिर्फ ये लोग है कि सिविल से दिया है फोन कर। इस पर है कि गवर्नमेंट को दोस्तों है कि थोड़ा निगरानी रखना चाहिए, सिर्फ फोन बार बार कस्टमर को नहीं किया जाए, उनको ज़रूरत होगा वो खुद है कि आपके पास आएंगे लोन लेने, है कि ना। और एक और दोस्तों है कि ट्रेडर को भी है जो ट्रेडिंग करता है मार्केट में, सिविल वाले को वहाँ भी अपडेट कर देना चाहिए हमारे हिसाब से, ट्रेडर को भी नहीं देना है लोन, क्योंकि उसका भी दिमाग कभी ठीक नहीं रहता, मान लीजिए लोन ले ले वो भी कौन लॉस कर दे मेरे जैसा, ऐसा हमारे जैसा दोस्तों है ना बहुत लोग है कि लॉस कर है कि लोन फोन क्रेडिट कार्ड सब ले से लेकर बैठा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो में दोस्तों हम है कि इतना ही बताना चाहेंगे से आप लोग दोस्तों लोन कभी भी मत लीजिएगा, लोन में ही छिपा हुआ है लोन ना, यानी कभी लोन मत लो, लोन में ही छिपा हुआ है लोन ना। लेकिन क्या कीजिएगा दोस्तों, मैं सब जानते हुए भी है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारा दिमाग अभी ख़राब हो चुका है, वो सब दिखाया आप लोगों को, और हमें भी कुछ है कि टेंशन हो गया है। तो अभी हमें आप लोग से इस वीडियो में है कि सपोर्ट चाहिए, आप लोग से हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस हमें इतना हमें आप लोग है कि सपोर्ट कर दिए ताकि हम दोस्तों ये सब से दोस्तों जल्दी मुक्त हो जाए। और अपना राय दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर दीजिएगा। ओके।